बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सो गाइस, जैसे कि आपको पता है आज है 10 मुहर्रम। तो 10 मुहर्रम वाले दिन आपको पता करबला का वाक्या सारा। वो यार मुझे इतना इलम नहीं, क्योंकि इलम हो तो फिर मैं आपको बता सकूँ यार जितना है। अगर मैं से गलत बोल गया, गुनाह मेरे पे ही आना, ठीक है। तो सो गाइस, जैसे कि आपको पता है 10 मुहर्रम वाले दिन हमारे गाँव में सब लोग जो जिनके फौतकार हो जाते हैं, जितने फौत महरूम होते हैं उनके घर में से, उनके रिश्तेदारों में, वो कब्रस्तानों में मिट्टी डालते हैं, ठीक है। तो आज 10 मुहर्रम है, तो हमने आज डालनी है कब्रस्तान में मिट्टी। और पता नहीं ये अपने जो हमारा महल्ला ना, उसकी एक ही कब्र जो हमारे महल्ले में फौजगार होती हैं ना, उसकी एक ही जगह वो कर देते हैं कब्रस्तान बनाई हुई है, ठीक है, हमारे महल्ले के साथ ही, दुकान के साथ है। तो सुबह इस उधर डाल लिया हमने मिट्टी, अभी जो आ रहे हैं वो मिट्टी लेने। तो मैं इसलिए घर से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, आगे स्टार्ट नहीं करना, आगे बस वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। तो आपने सब ने इन्जॉय करना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन को ज़रूर दबाना, और अगर वीडियो को अच्छी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलते हैं वहाँ पर, तो आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ। अगर उन्होंने मिट्टी ले आई हो तो फिर तो आसान होगा, अगर नहीं तो फिर जाना पड़ेगा उनके साथ। अल्लाह हाफिज़। मैं अभी जा रहा था कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान से पहले इधर मिट्टी लेने गए हुए। तो मैं सोचा कि यार क्यों ना, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो गर्मी के बाद मुँह हाथ धोया, वो रूटर चला हुआ था ना, तो मोटर तो वो चला हुआ था। सुबह इस अभी वो मिट्टी लेके आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह पूरी वीडियो आपको बताएंगे। तो सुबह ये हमारी कब्रिस्तान है सामने। चली दिए कायनात, वो नहीं यार वैसे इस महल्ले वाली कब्र में डाल के ना मिट्टी। तो हम अब आ गए हैं दूसरी कब्रस्तान पे, तो ये सामने वाली कब्रस्तान में मिट्टी डालनी है। जैसे कि आपको पता 10 मुहर्रम के दिन कब्रस्तान में मिट्टी डाली जाती है, ठीक है। तो ये पीछे सारी बहुत बड़ी कब्रस्तान है हमारे गांव की है, ठीक है, ये सारी कब्रस्तान है। तो अब इधर से एक पहले कब्र को साफ़ करना, फिर मिट्टी डालनी है, ठीक है। तो आओ तो भी ऐसे उठी जाओ जिदे जिदे हाँ रात के टाइम हो गई थी, रात पड़ गई थी, और दुआ कर करो घर में आ गई। तो सो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।